Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म हो चुका है। गोरखपुर में भी हर दल के लोग तेजी से प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। जनता के समक्ष क्या मुद्दाएं हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं, वो जनता बताएगी। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम करण कुमार है। क्या मुद्दा है? जो आरक्षण की बात चल रही है कि आरक्षण फिर भाजपा आएगी खत्म कर देगी, इस बार आप क्या कहना है? मेरा कहना है कि भाजपा आएगी इस बार फिर दोबारा। इस समय रवि किशन अभी आने वाले, हम लोग थोड़ी ही देर के बीच में अभी सब लोग सामने यहाँ पे बैठक। नहीं, जो चुनाव में जो मुद्दा चल रहा है, क्या मुद्दा है, युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा, क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं? कोई दिक्कत है? क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। क्या बताएंगे, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में? चुनाव में वही मतलब बीजेपी ने जीतेगी अपनी बारी। नहीं, क्यों जीतेगी, क्या कारण है? सपा भी तो दौड़ रही है, बसपा भी प्रत्याशी खड़ा किया है, क्योंकि गोरखपुर विकार, हाँ गोरखपुर विकार बहुत तेज हो रहा है। युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है? हाँ, युवाओं के लिए काम हो रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तीसरी बार भाजपा, क्या कहना है? नहीं 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 बोलते ही कह रहे हैं। क्या नाम है? आदर्श मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव का माहौल? सर ये सब सही है, रोजगार दे रही है, ठीक है। अब जो नहीं वो कर रहा है उसका अलग मुद्दा बना रहे, वो तो गलत बात है, लेकिन ये सबको बराबर एक तरह मतलब ट्रीट कर रहे हैं। रोजगार को अवसर आ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग खुद युवा हैं, पेपर दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं उस काबिल होंगे तो हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मौका तो मिल रहा है। परीक्षा जो निरस्त हो जा रही है मौका मिलने के बाद, उस पर और मेहनत कर रहे हैं। हाँ, उस पर दोबारा मेहनत कर रहे हैं, पेपर होगा फिर से अपना परिणाम आएगा, सफल होंगे, जितना अपना काबिलियत रहेगा उतना प्रूव करेंगे अपना। माहौल कैसा चल रहा है? माहौल बढ़िया है, माहौल बढ़िया है। किस दल का? योगी पाठक बाबा ने की कमान चल रहा है। नीरज कुमार तिवारी। क्या माहौल चल रहा है, क्या मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? माहौल इसमें बीजेपी चल रहा है सर, बहुत बढ़िया माहौल है। क्योंकि सर काम अच्छा हो रहा है, रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे, और भी कई काम है। योगी जी के नाम पर योजित सर है, और सर रोजगार एक जो मुद्दा कर रहे हैं, रोजगार सरकार दे रही है, लेकिन उसमें सर संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रोजगार दे रही है और सर थोड़ा सा और सरकार रोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि भाजपा ये तीसरी बार सत्ता में आई तो सारी तानाशाह हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा पहले यहाँ पे सर एक बार पहले यहाँ पे पादरी बाजार पे इतना भीड़ लग जा रहा था, लेकिन अब देखिए फ्लाई ओवर बन रहा है, ठीक तो काम ही ना है, जहाँ जहाँ मतलब भीड़ लग रहा है तो वहाँ पे काम तो हो ही रहा है। पहले नहीं बन रहा था लेकिन अब बन रहा है। यहाँ पर विकास पर योगी जी के नाम पर रोड देंगे, योगी जी के नाम पर, और किसान के नाम पर हम लोग फेस दोनों फेस है, लेकिन किसका होगा चेहरा? योगी जी का होगा, योगी का चेहरा। क्या नाम है? हिमांशु यादव। जैसे लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण सब खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो सब सपा के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपका क्या कहना है? ये सब अफवाहें फैलाए जा रही हैं। मतलब सत्ता में आएगी तो अच्छा ही रहेगा, अच्छा रहे। क्या माहौल चल रहा है? इसमें अच्छा माहौल चल रहा है। किसका? भाजपा का, सपा का, भाजपा का? किस कारण से? विकास के, विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हाँ विकास। क्या नाम है आपका? जितेंद्र गुप्ता। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल सही चल रहा है। किसका? भाजपा का कि सपा का? भाजपा का। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, दुकान। बिजनेस में कुछ आसानी है कि कुछ दिक्कतें हैं? नहीं नहीं सब सही चल रहा है। इंस्पेक्टर राज है वो चल रहा है, अभी भी परेशानी हो रही है, इसमें दिक्कत हो रही है? नहीं, सुविधा है। हाँ सुविधा है। भाजपा सरकार काम कर रही है? हरा नहीं सकती इसको। जैसे सपा कर रही है कि 2018 का जो चुनाव था वैसे फिर परफॉर्मेंस करेंगे, फिर जीतेंगे, वैसी कुछ संभावना है? सपा जीतेगी कि भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी, भाजपा का माहौल है। देखिए आप लोगों का कहना है कि माहौल जो है भाजपा का ही है, सपा कुछ भी कहे, और जो भी लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं खत्म करने की, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये लोग हवा बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, भाजपा सत्ता में आएगी तो फिर विकास होगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर संजू कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।